हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जिस और अली गिल, आज मैं ऐसी जगह पर मौजूद हूँ जिसको शहर खामोशा कहा जाता है। तो मेरे ख्याल में आप मेरे चैनल में पहली दफ़ा देख रहे हैं ऐसा, और मेरी व्लॉगिंग भी पहली दफ़ा देख रहे हैं। ये है मियानी साहब कब्रिस्तान जिसको कहा जाता है, और ये पाकिस्तान में एक जाना माना, एक रकबे के लिहाज से बहुत बड़ा है कब्रिस्तान। तो इसमें बहुत सारी शख्सियात भी आप कह सकते हैं कि दफन है, जैसे सरकार वासफ अली वासफ। और आज हम पहुँचे हैं इंटरव्यू करने अहमद भाई, जिसने इंटरव्यू देखे हैं अहमद नसीर ऑफिशियल पे जाके देख सकते हैं। आज हम पहुँचे हैं जी गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद के पास, जो कि गाज़ी भी हैं और शहीद भी हैं। तो अब उनकी हिस्ट्री ये है, जब गुस्ताखी की थी, मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहता, तो उनको वासले जहन्नुम किया था। तो आज हम उनके मज़ार पे पहुँचे हैं, उनको सलाम करते हैं और फातिहा करते हैं वहाँ पे। तो जिनको जिनके बारे में इलामा इकबाल ने भी कहा था कि ऐसी तो किताबा लिख दे जाएंगे, तरखाना का मुंडा बाजी ले गया। तो एक शॉर्ट सा भी लोग होगा, तो आपको दिखाते हैं भी उनकी यहाँ पे मैं बिल्कुल अब बोलूँगा नहीं, यहाँ पे खामोशी है। ये है गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद की कब्र, और ये उनके अजीज़ व अक़ारिब जितने भी हैं, भाई, भाभी, पोती और सब के A few moments later. ये थे गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद, जिनका अभी इंटरव्यू कर रहे थे भाई। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जिसने पूरा प्रोग्राम देखा है वो जाके देख सकते हैं अहमद नसीर ऑफिशियल पे। बड़ा शॉर्ट सा भी लोग है ये, और इस वजह से किया है ताकि, क्योंकि मैं आया था यहाँ पे सलाम करने और भाई ने इंटरव्यू करना था, सोचा कि छोटा सा अपना भी एक वीडियो रिकॉर्ड किया जाए। तो खैर, वो किया है, इंशाल्लाह आपको मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में। बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, कल सुबह से निकला हुआ हूँ, तो इंशाल्लाह आपको मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाहर से आपको ज़रा चेक करवाते हैं। खैर, दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे किसी अच्छे से अगले व्लॉग में। तब तक अपना और अपने गिरदोनी वाले लोगों का ख्याल रखिएगा यार, पता ही है आपको। बाकी ट्रक पार के Yeah.